खुश होती भगवान। हृदय की
भाव से खुश होते भगवान, सच्चे हृदय के भाव से खुश होते भगवान। ये है वेदों का सार, ये है शास्त्रों का सार, ये है वेदों का सार, ये है शास्त्रों का
एकादशी पे ग्वाला पंडित जी से बोला, अब की आटी गुड़ आलू से भरना पूरा झोला। पिछली एकादशी के दिन तो राशन रह गया था थोड़ा, दो टिक्कर ठाकुर खा गए भूख ने मुझे झिझोड़ा। का भरोसा सही झूठ का पता लगाने उसने रास्ता सोचा, उसने रास्ता सोचा, उसने रास्ता सोचा। दुगना करके दे दिया उसने ग्वाला को सामान, दुगना करके दे दिया उसने ग्वाला को सामान। सच्चे हृदय से खुश होते भगवान, सच्चे हृदय के भावों से खुश होते भगवान। ये है वेदों का सार, ये है शास्त्रों का सार, ये है वेदों का सार, ये है शास्त्रों का सार। पहुंच गया जंगल में, उसके पीछे पीछे पंडित पहुंचे अगले पल में। छिप कर बैठे एक झाड़ी में सच का पता लगाने, उधर में ग्वाला सच्चे मन से लग गया भोग बनाने, कंडा लाया बीन के देरी नहीं लगाई। एक जगह पर गौ गोबर से उसने करी लिपाई, आग जला के आलू भूने सेक लिए सब टिक्कर, बड़े प्रेम से भोग बना के झट से लगाई पत्तर, झट से लगाई। जग के कृपालु राधा और सखाओं के संग खा रहे टिक्कर आलू, खा रहे टिक्कर आलू, खा रहे टिक्कर आलू। देख नजारा झाड़ी में से पंडित दौड़ के आया,
शीश झुकाया। फिर ग्वाला को पंडित जी ने अपने गले लगाया। तेरी वजह से ठाकुर जी का मैंने दर्शन पाया। खुश होती भगवान।